मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें। परेशानी झेलना पड़ता है हम लोग के यहाँ से। बना है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें बन अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी। कोरोना की मार ने ना सिर्फ लोगों को बेबस और लाचार कर दिया, बल्कि सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल दी। बड़े बड़े नेता, पदों पर मंत्री किसी के काम नहीं आ सके। जिन्हें लोगों ने अपने नुमाइंदा बनाया, उनका इलाका देखेंगे तो समझ आएगा कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया। कोरोना काल में आज तक बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में स्वास्थ्य सेवा का जायजा लेने पहुंचा। आप भी देखें वहां कैसी बदहाली है। हम आपको बता दें कि राघोपुर वो इलाका है जहां से जीतकर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहीं से जीतकर बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राघोपुर ने लालू यादव के परिवार की अगली पीढ़ी को भी जिताया, लेकिन यहां के गांवों में एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। आज तक ने पहले राघोपुर के जहांगीरपुर का दौरा किया। यहां स्वास्थ्य केंद्र नाम पर ये बोर्ड है और दो ANM कर्मचारी का नाम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जहांगीरपुर राघोपुर वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। राघोपुर वो इलाका है जहां से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं। यहां पर केवल एक बोर्ड लगा है, मकान किसी और का है, यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का अपना घर भी नहीं, भवन भी नहीं है। हम कई जगहों पर गए जहाँ पर भवन तो बने हुए थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहाँ ना तो डॉक्टर है न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं और जो कह सकते हैं कि जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। ये कब से है स्वास्थ्य उपकेंद्र? ये लगभग हमको लगता है कि 85-86 से है और ऐसी बोर्डे लगा हुआ है। बिल्डिंग न वहाँ था और वहाँ से कट के हम लोग इस जगह पर आए हैं, तो यहाँ भी बिल्डिंग नहीं बना। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है ANM और टीका उका जो लगाना होता है, जो सुई दवा बच्चा लोग को देना होता है वो दे देता है, अपना चल गए। राघोपुर दियारा इलाके में आता है, नदी पार कर इलाके से बाहर आना पड़ता है। आप ही सोचें अगर कोरोना के मरीज को सिला अस्पताल ले जाना हो तो कितनी मुश्किलें आएंगी। राघोपुर से एक और पंचायत सफराबाद का हाल भी बेहाल है, जहां स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर भवन तो बना है लेकिन इसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ। 15 साल पहले बने इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन को कोई डॉक्टर नसीब नहीं हुआ। राघोपुर के जहांगीरपुर में हमने आपको दिखाया कि वहां के स्वास्थ्य उपकेंद्र में बोर्ड तो है लेकिन अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, वो दूसरे के मकान में, किसी के मकान में चलाया जा रहा है। लेकिन जाफराबाद में आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है और यहां बोर्ड नहीं है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बनाई गई थी और इसको बने हुए भी करीब 15-16 साल गुजर चुके हैं। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब ये भवन बनाया गया था और गांव के लोग बता रहे हैं इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। उसके बाद से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, अब देखिए किस हालात में है। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग अब जर्जर हालत में आ रही है। इसमें कुल मिलाकर 8 कमरे हैं। अभी जो इस्तेमाल गाँव वाले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अनाज की बोरियाँ रखी हुई हैं, इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र का। आप डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, ये बातें तो आप भूल जाइए। ये जो घर है किस लिए बना हुआ? ये बना है हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल का कुछ। तो हॉस्पिटल के होवे नहीं किया तो देखिए क्या क्या डॉक्टर वगैरह आवे ना करते हैं, कोई बातें नहीं है। उद्घाटन ना उद्घाटन भी नहीं। कौन बनवाया था? राबड़ी देवी।
आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए कि हॉस्पिटल होने चाहिए? तो हॉस्पिटल के लिए तो बनवे किया है, लोग कहवे किए तो कहीं कि हो जाएगा हो जाएगा। हाँ आज तक नहीं, नहीं। हाँ हाँ हो गया। हॉस्पिटल के लिए बना गया था तो इसमें बन अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी, ऐसा कोई चीज हुआ ना कि लाभ हो सकता है गरीब के, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कहियो तो डॉक्टर आवे नहीं किया, तो इसमें होगा क्या लाभ? उद्घाटन ही नहीं हुआ, उद्घाटन होता तब तो डॉक्टर आता। तेजस्वी जी वहाँ अपने घर पर खोले हुए हॉस्पिटल, तो यहाँ भी तो खोल लेना चाहिए। हाँ तो उनको तो खोलना चाहिए, उनको डॉक्टर भेजना चाहिए, तब तो जनता की रक्षा हो सकता है। इतना कोरोना हो गया या और कुछ भी बीमारी है, कोई चीज के लिए जाने पड़ता है वो पट्टी पटना, तो अगर खुल जाता तो आदमी की सुविधा हो जाता, पटना नहीं जाता, विकसित होता देश में। ये हाल तब है जब राघोपुर बिहार का वीवीआईपी इलाका है। 2010 को छोड़ दिया जाए तो 1995 से ही ये लालू परिवार का गढ़ रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। भला कोई उनसे पूछे कि उनके इलाके में स्वास्थ्य सेवा बदहाल क्यों है?